सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ बिना आटा गूंथे गेहूं के आटे से बने बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप नाश्ते के तौर पर भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक ग्लास के करीब पानी। तो इसमें मैंने एक ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब ऑयल। तो इस तरह से मैंने इसमें एक चम्मच ऑयल भी ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधे चम्मच के करीब नमक, या आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं हमारे पानी में हल्के हल्के से बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें लगभग आधे कप के करीब गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें लगभग आधे कप के करीब गेहूँ का आटा ऐड कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे कंटिन्यू मिलाते रहना है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं है एकदम डो वाली कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। साइड में मैंने गैस पर वापस उसी पैन को लिया है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से जीरा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में हमारे जीरे एकदम अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कटा हुआ। अब हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, हमें बस इसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे फ्राई करना है। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं ये हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लिया है। साइड में मैंने एक साफ़ सुथरा मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमकीन और इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हमने जो प्याज के मसाले बना कर रखे थे, इसमें हम इसे ऐड करेंगे और इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन सारे चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसकी ड्रफिंग बना कर रेडी करनी है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसमें से थोड़ी सी लूही ले लेंगे और इसे हाथों पर एकदम अच्छे से मल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका पैड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे हथेली की हेल्प से इसे चपटा करेंगे। अब हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब हमने जो ट्रफिंग वाला मसाला बना कर रखा था, अब हम इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे सभी किनारों से इस तरह से उठाते हुए ऊपर की ओर इस तरह से इसे सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे हथेलियों की हेल्प से इस तरह से चपटा करेंगे। अब हम हथेलियों पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से इसे हम थोड़ा सा और चपटा बनाएंगे। हम इसे एकदम रोटी की तरह इसे बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी के भी सारे बनाकर रेडी करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गेहूं के आटे से बनने वाला है नाश्ता कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन रखा। इसमें हम लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें एक पराठा डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं एक साइड से एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे कलर कितना बेहतरीन आया है। तो अलटते पलटते मैंने इसे दोनों साइड से एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से फ्राई हो चुका है और देखने में भी कितना लाजवाब लग रहा है। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के भी हम बना कर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं
इस तरह से मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाला है नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है और दिखने में भी ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।